गुड मॉर्निंग बच्चों, सुप्रभात। आज अध्याय हम बीमार क्यों पड़ते हैं, इसमें संक्रामक रोग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। संक्रामक रोग क्या होता है? रोगाणु या सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले रोगों को हम संक्रामक रोग कहते हैं। यानी कि जब कोई बीमार व्यक्ति के शरीर से ये सूक्ष्म जीव या रोगाणु या विषाणु कोई स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है और उस स्वस्थ व्यक्ति को बीमार कर देता है, तो ऐसे में रोगों को हम कहते हैं संक्रामक रोग। ये संक्रामक रोग करवाने वाले जो सूक्ष्म जीव है वो आते कहाँ से हैं? ये या तो कोई बीमार व्यक्ति से आते हैं, नहीं तो हमारे आसपास में जो गंदगी उसमें वो पनपते हैं और एक से दूसरे व्यक्ति में ये बीमारी फैलते हैं। इसीलिए ऐसे बीमारी को हम लोग संक्रामक रोग कहते हैं। संक्रामक रोगों के कारक। जो सूक्ष्म जीव बीमार व्यक्ति के शरीर से स्वस्थ व्यक्ति में आते हैं, वो सूक्ष्म जीव अलग अलग वर्ग के हो सकते हैं या अलग अलग तरह के हो सकते हैं, जैसे विषाणु, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, कृमि। विषाणु यानी कि वायरस। वायरस से होने वाली कुछ आम बीमारियां सर्दी, जुकाम, चेचक, एड्स तथा इन्फ्लुएंजा। जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से होने वाले कुछ आम बीमारियां हैजा, खसरा, क्षय रोग तथा टिटनस। कवक यानी कि फंगी या फंगस, इसके संक्रमण से होने वाले एक आम बीमारी है दाद। इसके अलावा त्वचा का कुछ संक्रमण भी इस कवक के चलते हो सकता है। प्रोटोजोआ से होने वाले मलेरिया, कालाजर, अमीबिया पेचिस। फिर कृमि। कृमि से होने वाले एक आम बीमारी है फिलपॉक्स। ऐसे में हम देख रहे हैं कि ये सारे जो जीव है, सूक्ष्म जीव है, ये अलग अलग वर्ग के हैं, इनके कोशिका का संरचना भी अलग है और इसके चलते हम जो भी उपचार या औषधि प्रयोग करेंगे वो सबके लिए एक नहीं होगा, सबके लिए अलग अलग औषधि होगा। ज्यादातर विषाणु जो है वो परपोषी बन के हमारे शरीर के कोशिका के अंदर रहता है और उसी के अंदर वो जनन करता है। अगर हम वर्गीकरण में देखते हैं कि विषाणु और जीवाणु जो है वो नजदीक है वर्गीकरण के श्रेणी में, लेकिन कवक, प्रोटोजोआ, कृमि जो है वो विषाणु से थोड़े दूर में है। ऐसे में हम देख रहे हैं कि जीवाणु जो है कुछ इस तरह के होते हैं, ऐसे प्रजाति के होते हैं जो अपने कोशिका के बाहर एक कोशिका भित्ति बना रहते हैं, जो एंटीबायोटिक या हमारे शरीर का जो प्रतिरक्षा व्यवस्था है उससे बचने के लिए और उसके ऊपर एंटीबायोटिक काम नहीं करता। ऐसे में हम लोग कुछ एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं जो इसका कोशिका भित्ति को बनने ना दे। फिर हम देख रहे हैं कि प्रोटोजोआ और कृमि, विषाणु, जीवाणु, कवक, ये तीनों का जनन का क्षमता जो है काफी ज्यादा होता है, ये काफी शीघ्र गति से बढ़ते हैं इनकी संख्या, जबकि प्रोटोजोआ का उससे थोड़ा कम और कृमि का उससे भी कम। इनकी संख्या काफी कम गति में, इन लोगों के तुलना में कम गति में बढ़ते हैं। हम विभिन्न सूक्ष्म जीव को यहाँ देखेंगे, यानी कि कुछ संक्रामक रोग और उसके कारक को उदाहरण स्वरूप हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले हम इस क्रम में देख रहे हैं सार्स बैक्टीरिया। संक्रमित कोशिका से बाहर निकलते हुए सार्स के सूक्ष्म जीव हमें चित्र में दिखाई दे रहे हैं। इसके आकार को अनुमान लगाने के लिए हमने 500 नैनोमीटर का एक निशान देख रहे हैं और इस सूक्ष्म जीव का आकार उससे भी काफ़ी कम है। इसके बाद हम देख रहे हैं लेचमेनिया। लेचमेनिया कालाजर व्याधिकारक प्रोटोजोआ है। ये जीव अंडाकार तथा प्रत्येक में एक चाबुकनुमा संरचना होती है। विभाजित होते जीव को तीर द्वारा दर्शाया गया है। इसके बाद हम देख रहे हैं स्टेपाइलोकोकस बैक्टीरिया। स्टेपाइलोकोकस बैक्टीरिया जो मुहासे का कारक है, ऊपर बाईं ओर की रेखा 2 माइक्रोमीटर माप को प्रदर्शित करती है और हम देख रहे हैं कि इस बैक्टीरिया का आकार 2 माइक्रोमीटर से काफ़ी कम है। इसके बाद हम देख रहे हैं प्रोटोजोआ ट्रिपैनोसोमा। प्रोटोजोआ ट्रिपैनोसोमा वो निंद्रालु व्याधि का कारक है। ट्रिपैनोसोमा को तस्तरी नुमा लाल रक्त कोशिका के साथ प्रदर्शित किया गया है जिससे उसके आकार का पता चल सके। अब हम देख रहे हैं गोल कृमि।
कृमि लंबे आवरणहीन और बिना हड्डी वाले होते हैं। इनके बच्चे अंडे या कृमि कोष से डिम्बक लार्वल सेता हुआ नया कृमि के रूप में बढ़ते हुए त्वचा मांसपेशिया फेफड़ा या आंत के उत्तक में कृमि के रूप में बढ़ते जाते हैं जिसे ये संक्रमित करते हैं। अब हम लोग देखेंगे रोग फैलने के साधन यानी कैसे ये संक्रामक व्याधियाँ फैल रही है उसके अलग अलग तरीके। संक्रामक रोग पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में आने से स्वस्थ व्यक्ति में फैल जाते हैं। सूक्ष्मजीव या संक्रामक कारक हमारे शरीर में निम्न साधनों द्वारा प्रवेश करते हैं जैसे वायु भोजन जल रोगवाहक द्वारा या लैंगिक संपर्क द्वारा। सबसे पहले वायु द्वारा। वायु द्वारा छींकने और खांसने से रोगाणु वायु में फैल जाते हैं और स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं सांसों के माध्यम से, जैसे निमोनिया क्षय रोग सर्दी जुकाम आदि ये बीमारियां वायु से फैल रही है। जल तथा भोजन द्वारा रोगाणु यानी कि संक्रामक कारक हमारे शरीर में संक्रमित जल व भोजन द्वारा प्रवेश कर जाते हैं जैसे कि हैजा अमीबीय पेचिस आदि जल और भोजन द्वारा हमारे शरीर में फैलते हैं। इसके बाद हम देख रहे हैं रोगवाहक द्वारा। मादा एनोफिलीज मच्छर बीमारी के रोगवाहक का कार्य करती है जैसे मलेरिया डेंगू आदि बीमारी के लिए। इसी तरह से और भी बहुत सारे मच्छर और मक्खियां जो है वो रोग को फैलाने में मदद करते हैं, तो ऐसे में इनको हम लोग रोगवाहक कहते हैं। फिर लैंगिक संपर्क द्वारा कुछ रोग जैसे कि सिफिलिस और एड्स रोगी के साथ लैंगिक संपर्क द्वारा संक्रमित व्यक्ति में प्रवेश करते हैं यानी कि लैंगिक संपर्क के द्वारा ये बीमारियाँ फैल रही है। एड्स के विषाणु संक्रमित रक्त के स्थानांतरण के द्वारा भी फैलते हैं अथवा गर्भावस्था में रोगी माता से या स्तनपान कराने से शिशु का एड्स ग्रस्त होना ये भी एक तरीका है। इसके बाद हम देखते हैं रेबीज संक्रमित पशु जो है वो अगर किसी को काट देते हैं उसके काटने से रेबीज का जो रोगाणु है वो स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में चला जाता है। यहाँ इस चित्र के द्वारा हम देख रहे हैं संक्रमित व्यक्ति और स्वस्थ व्यक्ति के बीच में कैसे रोगाणु जो है वो पहुँच रहे हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं हाथ मिला रहे हैं या लैंगिक संपर्क यानी कि इसे हम व्यक्तिगत संपर्क में रख रहे हैं। इसके बाद हम देख रहे हैं खांसने छींकने से वायु द्वारा स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर रहा है जब स्वस्थ व्यक्ति सांस ले रहा है तो। फिर संक्रमित व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल किए गए वस्त्र या कोई भी बर्तन या उसके खाने वाले जो बर्तन हैं इससे भी स्वस्थ व्यक्ति में रोगाणु पहुंच रहे हैं। फिर हम भोजन के द्वारा देख रहे हैं भोजन और पानी, दूषित भोजन और दूषित पानी से भी स्वस्थ व्यक्ति में पहुँच रहा है रोगाणु। मच्छर या कीट के काटने से भी स्वस्थ व्यक्ति में पहुंच रहा है। फिर हम देख रहे हैं सबसे आखिर में रेबीज से संक्रमित पशु जो है अगर किसी को काट रहे हैं उनके काटने से भी वो रेबीज का जो रोगाणु है वो स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में पहुंच जा रहे हैं। हमारा शरीर काफी बड़ा है और रोगों के कारक जो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं उसके प्रवेश के रास्ते भी अलग अलग हो सकते हैं और प्रवेश के रास्ते पे तय होता है कि वो कौन सा अंग विशिष्ट या उत्तक विशिष्ट को प्रभावित करेगा या क्षति पहुंचाएगा। उदाहरण स्वरूप हम देख रहे हैं कि नाक से प्रवेश करने वाले यानी वायु में जो सूक्ष्म जीव मौजूद है वो अगर नाक के माध्यम से सांसों के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करें तो वो हमारे फेफड़े को प्रभावित करेंगे। उदाहरण स्वरूप क्षय रोग, क्षय रोग हमारे फेफड़े में होता है और इसका जो भी सूक्ष्म जीव है जिसके चलते हो रहा है जिस जीवाणु के चलते वो जीवाणु नाक के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। ठीक उसी तरह से मुंह से अगर प्रवेश करते हैं तो वो हमारे गले में या आहार नाली में या हमारे पाचन तंत्र में वो प्रभावित कर सकते हैं या वहां वो संक्रमण कर सकते हैं, जिसका एक उदाहरण है खसरा। और इसमें हम देखते हैं कि हमारा जो टाइफाइड है या हेपेटाइटिस है ये इस तरह का
जो हम खाने के माध्यम से, मुंह के माध्यम से ये हमारे शरीर में प्रवेश कर रहे हैं, ये हमारे आंत को प्रभावित कर रहे हैं, यकृत को प्रभावित कर रहे हैं, पाचन तंत्र को प्रभावित कर रहे हैं। इसके बाद हम देख रहे हैं ये जो प्रवेश द्वार के ऊपर निर्भरशील है कि कौन सा अंग या उत्तक विशिष्ट जो है वो प्रभावित होगा, वो कभी कभी लागू नहीं होता है। जैसे एड्स के विषाणु जो है वो उनके प्रवेश करने का दो तीन मुख्य है। एक तो है ये जनन अंगों से प्रवेश करते हैं या हमारे खून के माध्यम से प्रवेश करते हैं। ऐसे में हम देख रहे हैं कि ये प्रतिरक्षी व्यवस्था की कोशिकाओं को ये क्षति पहुंचाते हैं। और प्रतिरक्षी व्यवस्था की कोशिका को जब ये क्षति पहुंचाते हैं तो इसमें कोई खास लक्षण नहीं आते हैं, हम आसानी से कोई ना कोई संक्रमण, छोटे मोटे संक्रमण से संक्रमित हो जाते हैं और उसी बीमारी के चलते आखिर तक कमजोर होते होते मृत्यु तक हो जाती है। मृत्यु का कारण वो आम संक्रमण होता है जो प्रतिरक्षक क्षमता या प्रतिरक्षा व्यवस्था के कमजोर पड़ने से हमें संक्रमण होता है। और इस प्रतिरक्षा व्यवस्था को कौन कमजोर कर दिया? ये विषाणु। मलेरिया बीमारी जो है वो मच्छर काटने से हो रहा है, जो प्रोटोजोआ मच्छर काटने से मेरे शरीर में प्रवेश कर रहा है। प्रवेश करने का रास्ता है त्वचा, लेकिन ये त्वचा से पहुंच जा रहा है हमारे यकृत में, लाल रक्त कणिकाओं में, लाल रुधिर कोशिकाओं में, और वहां जाके वो अपना जनन कर रहा है, अपना संख्या को बढ़ा रहा है। तो यहाँ कौन सा उत्तक विशिष्ट पे हो रहा है? रक्त कणिकाओं पे हो रहा है और यकृत पे हो रहा है। फिर हम देख रहे हैं जापानी मस्तिष्क ज्वर, यानी कि इसमें हम देखते हैं ये वायरस से हो रहे हैं, यानी कि विषाणु से हो रहे हैं, और ये भी मच्छर काटने से हो रहे हैं, त्वचा से प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन ये कौन सा अंग विशिष्ट को प्रभावित कर रहा है? मस्तिष्क को प्रभावित कर रहा है। इस तरह से हम देख रहे हैं अंग विशिष्ट तथा उत्तक विशिष्ट अभिव्यक्ति, यानी कि बीमारी और उसके प्रवेश द्वार, ये दोनों तय करते हैं कि कौन सा अंग मेरा प्रभावित होगा, कौन सा उत्तक प्रभावित होगा। उपचार के नियम, जब हम बीमार पड़ते हैं तो हम लोग उपचार करने के लिए कभी आराम करते हैं, कभी हम दवाई लेते हैं। तो आराम करने से हम देखते हैं कि कुछ देर बाद हमें अच्छा लगने लगता है, तो ये कारण क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं कि उपचार के नियम क्या है। दो हैं, रोग के लक्षणों को कम करने के लिए, दूसरा रोगाणु मारने के लिए एंटीबायोटिक। किसी भी रोग के चलते, यानी कि किसी भी संक्रमण के चलते हमारे शरीर में कुछ कष्ट दिखाई देते हैं, कष्ट महसूस होते हैं, जिसे हम लक्षण कहते हैं। लक्षण का मुख्य कारण ज्यादातर पे होता है सोथ, यानी कि इन्फ्लेमेशन, यानी जिस जगह पे संक्रमण हुआ है वहां उस संक्रमण के जीवाणु या विषाणु से लड़ने के लिए हमारे शरीर के प्रतिरक्षा व्यवस्था के जितने कोशिका है वो आके वहाँ इकट्ठा होते हैं और लड़ाई लड़ते हैं, और इसके चलते उस जगह पे थोड़ा सा फूला हुआ, थोड़ा सा जलन, थोड़ा सा कष्ट महसूस होता है, थोड़ा सा वहां पे हमें तापमान भी ज्यादा लगता है। तो इन सारी चीजों को हम कहते हैं, दर्द होता है थोड़ा सा, इन सारी चीजों को हम कहते हैं लक्षण। तो हम ऐसे तरीका अपनाते हैं ताकि ये लक्षण कम हो सके, जैसे कि हम बुखार कम करने का तरीका लेते हैं, सर दर्द कम करने का तरीका अपनाते हैं, या हम आराम करते हैं। आराम करने से क्या होता है, हमारे शरीर का ऊर्जा जो है वो संरक्षित हो जाते हैं और वो ऊर्जा हम रोग से लड़ने के लिए उसे इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए कुछ देर आराम करने के बाद हमें अच्छा लगने लगता है। अब ये तो लक्षण को हम खत्म करने का कोशिश किए, लेकिन जो असली कारण है, जो रोगाणु है, वो अगर हमारे शरीर में रह गया तो हमारा बीमारी खत्म नहीं होगा, वो बार बार लौट के आएगा। ऐसे में हमें रोगाणु को भी मारना पड़ेगा। अब रोगाणु यानी कि जो सूक्ष्म जीव बीमार हमें कर रहे हैं, वो सूक्ष्म जीव किस वर्ग से जुड़े हुए हैं उसके ऊपर निर्भर करता है कि उसके कोशिका में जो जैव प्रक्रिया या जैव रासायनिक क्रियाएं हो रही है वो किस तरह की है। आमतौर पे वो हमारे शरीर की जैव प्रक्रिया से अलग होती है, तो ऐसे में जब हम उन्हें मारने के लिए एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं, वो हमारी कोशिका को नुकसान नहीं पहुंचता है, क्योंकि वो लोग का जैव प्रक्रिया अलग है, उसी जैव प्रक्रिया को ही हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें हम रोग डालते हैं
ताकि वो अपना प्रक्रिया पूरी ना कर पाए और उसका जीवन खत्म हो जाए। लेकिन हम एंटीवायरल दवाइयां यानी कि विषाणु को मारने के लिए दवाइयां बनाना काफी मुश्किल है एंटीबैक्टीरियल के मुकाबले। इसमें हम देखते हैं कि जो विषाणु है वो हमारे शरीर के कोशिका में ही परपोषी बन के छुपा हुआ है। ऐसे में वो हमारे शरीर के कोशिका के जैव प्रक्रिया को अपने इस काम के लिए इस्तेमाल कर रहा है, उस मशीनरी को इस्तेमाल कर रहा है ताकि वो अपने काम का चीज हमारे कोशिकाओं के द्वारा बनवा ले। तो हम अब अपने अगर एंटीवायरल जो दवाइयां हम प्रयोग करेंगे तो वो मेरे ही कोशिका को नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी आजकल बहुत सारी अच्छी अच्छी एंटीवायरल दवाइयां मौजूद है, जैसे कि एड्स के लिए, एड्स को की वृद्धि या उसके प्रकोप को रोक के रखने के लिए। हम अगर बात करते हैं मलेरिया का, तो मलेरिया में हम देखें कि मलेरिया का भी जो प्रोटोजोआ है उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, सिंकोना वृक्ष के जो छिलका है उससे छाल से हम उसका दवाइयां बनाते जाके वो मलेरिया का जो प्रोटोजोआ है उसको मारते। निवारण के सिद्धांत, हम लोग अब तक देखे कि हम अगर बीमार पड़ते हैं तो हमारे स्वास्थ्य कितने खराब तरीके से प्रभावित होते हैं, दीर्घकालिक संक्रमण में और ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो ऐसे में रोकथाम ही सबसे अच्छा उपाय है और निवारण हमें करना चाहिए। तो निवारण हम कैसे करें रोगों का, उसका सिद्धांत दो है। पहला है सामान्य विधियां, दूसरा है रोग विशिष्ट विधियां। सामान्य विधियां में हम देखते हैं कि जिस रोगाणु से यानी कि जिस तरह के सूक्ष्म जीव से रोग उत्पन्न हो रहे हैं, हमें कोशिश करना चाहिए कि हम ऐसे सूक्ष्म जीव या रोगाणु के संस्पर्श में कम आए। हमें ऐसे रोकथाम के लिए विभिन्न व्यवस्था करना है। अगर हमें वायु से फैलने वाली बीमारियां हो रही है तो ऐसे समय में हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए, भीड़ भाड़ वाले जगह में नहीं जाना चाहिए। ठीक उसी तरह से अगर कोई बीमारी जल से फैल रहा है तो हमें साफ जल पीना चाहिए। अगर कोई बीमारी रोग वाहक कीट के माध्यम से या प्राणियों के माध्यम से फैल रहा है, जैसे कि मच्छर मक्खियों के माध्यम से, तो हमारे आसपास हमें साफ सफाई रखना चाहिए ताकि ऐसे रोग वाहक कीट पतंग जो है हमारे आसपास ना पनपे, जो रोगों को वहन करके हम तक पहुंचाए। अब आती है कि रोग विशिष्ट विधियां। हम लोग कभी कभी देखते हैं कि हम सब एक ही वातावरण में रहते हैं लेकिन कोई कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, कोई कोई व्यक्ति बीमार नहीं पड़ता है रोगों के या रोगाणु के संस्पर्श के आने के बावजूद। तो उसका कारण हम पाते हैं कि वैसे व्यक्ति जो है स्वस्थ है, उसका प्रतिरक्षा शरीर का जो अपना प्रतिरक्षा व्यवस्था है वो उसका काफी अच्छा है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, रोग विशिष्ट विधियां में प्रतिरक्षा व्यवस्था को मजबूत करेंगे, यानी कि हम प्रतिरक्षा व्यवस्था को थोड़ा सा टीकाकरण या प्रतिरक्षीकरण के माध्यम से प्रतिरक्षा व्यवस्था को पूरा मजबूत करेंगे, यानी कि जो विशिष्ट कोशिका है जो प्रतिरक्षा करने में हमें सहायता करती है वो विशिष्ट कोशिकाओं को हम संख्या बढ़ाएंगे। तो हम टीकाकरण में क्या करते हैं कि कोई भी जीवाणु या जो भी हमारा विषाणु है उसका कोई भी रूप में उसको कमजोर करके या उसके विषाणु का जो भी रासायनिक बनाते हैं रसायन उसका कुछ नमूना लेके उसको कमजोर करके हम स्वस्थ शरीर में उसे प्रवेश करवाते हैं, ताकि हमारा प्रतिरक्षा व्यवस्था जो है इसे गलती से समझ ले कि हमारे शरीर में संक्रमण हुआ है। ऐसे में प्रतिरक्षा व्यवस्था जो है अपना अवस्था को सुदृढ़ करने का कोशिश करेगा, यानी कि उसे मजबूत करने का कोशिश करेगा, और जो भी एंटीबॉडी बनाने वाले कोशिका है वो उसका संख्या बढ़ेंगे। हर रोग के लिए विशिष्ट एंटीबॉडी बनाने वाले कोशिका होते हैं, तो जैसे ही संक्रमण समझ के वो अपना संख्या बढ़ाएंगे तो हमारा शरीर का प्रतिरक्षा व्यवस्था मजबूत होगा, और जब हमें असली संक्रमण होगा तब तक हमारे पास बना बनाया एंटीबॉडी रहेगा और जिसके सहारे हम लड़ लेंगे जो भी सूक्ष्म जीव मेरे शरीर में आएंगे। तो इस तरह से हम टीकाकरण के माध्यम से हम रोगों से बचते हैं,
जैसे कि डीपीटी बच्चों को दिया जाता है या टीबी के लिए, क्षय रोग के लिए दिया जाता है। हम देखते हैं हेपेटाइटिस बी के लिए भी टीका दिया जाता है, हेपेटाइटिस के अलग अलग रोग के लिए भी दिया जाता है। काली खांसी, टिटेनस सबके लिए हम देखते हैं रोकथाम के तौर पे उसका टीकाकरण होता है, और टीकाकरण के बाद हमें उस असली संक्रमण से लड़ने के लिए हमें काफी वक्त मिल जाता है। हम देखते हैं कि इस तरह के प्रतिरक्षा व्यवस्था को जब हम मजबूत कर लेते हैं तो हमारे शरीर के अंदर ये कोशिका का संख्या काफी बढ़ जाती है और एंटीबॉडी का जो परिमाण है वो भी बढ़ जाता है। अब हम लोग देखेंगे प्रतिरक्षा। परंपरा के अनुसार भारतीय तथा चीनी चिकित्सीय तंत्र में कभी कभी जानबूझकर चेचक से पीड़ित व्यक्ति तथा स्वस्थ व्यक्ति की त्वचा को आपस में रगड़ते थे। उन्हें इससे ऐसी आशा थी कि इसके कारण से चेचक के मंद रोगाणु स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न कर देंगे। 200 वर्ष पूर्व एक इंग्लिश चिकित्सक जिसका नाम एडवर्ड जेनर था ने पता लगाया कि ग्वाले जिन्हें गो चेचक हुई है उन्हें महामारी के समय भी चेचक नहीं हुई। गो चेचक मंद रोग है। जेनर ने जानबूझकर लोगों को गो चेचक दिया जैसा कि तस्वीर में दिखाया गया है। इससे उन्होंने पाया कि अब ये लोग चेचक के प्रतिरोधी है। इसका कारण यह है कि चेचक का बैक्टीरिया गो चेचक के वायरस का निकट संबंधी है। लैटिन में काव का अर्थ है वक्का तथा काव पॉक्स का अर्थ है वैक्सीनिया। इस आधार पर वैक्सीन अथवा टीका शब्द आया है। जैसा कि हम तस्वीर में देख रहे हैं सर एडवर्ड जेनर जो है वो टीकाकरण कर रहे हैं, वो पहले व्यक्ति थे जो टीकाकरण को प्रचलन में लाए। तो इसी के साथ हमारा पाठ समाप्त होता है।